मैं आपके सामने अपनी दूसरी वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पिछली वीडियो मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स बताए थे। अगर मैंने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम, ही सेड टू मी दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू होम दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। और इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, इट्स टेंस रिमेन अनचेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। एग्जांपल, ही सेड गॉड इज ग्रेट। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट। कॉमा इंपोर्टेंट, कॉमा हटा के दैट लगाया, लेकिन यहां पे हमने टेंस नहीं चेंज किया, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे पास्ट में है, लेकिन हमने इसका टेंस नहीं बदला, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जांपल सेकंड, द बॉय सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, द बॉय सेड दैट ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। इसमें आई टेक एक्सरसाइज डेली ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदत संबंधी तथ्य है। कॉमा इंपोर्टेंट, कॉमा हटा के हमने दैट लगाया, लेकिन टेंस नहीं बदला, द बॉय सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमने बदल दिया, आई को ही में बदला, ही के साथ टेक्स, ही टेक्स, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। रूल फाइव, When changing into indirect speech of interrogative sentence, जब interrogative sentence को हम indirect speech में बदलते हैं, we change ask of reporting verb, said to change into ask, said और said to को बदल के हम ask में बदलते हैं। The conjunction if or whether is used to introduce the reporting speech. If the question begins with auxiliaries like is, am, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall, can, etc. यहां पर हम कंजंक्शन if और whether का यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस auxiliaries जैसे is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall, इनसे आरंभ होता है, नो कंजंक्शन यूज बिफोर द क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वहां पे हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, जैसे हु, whom, whose, what, where, then, when, how, why, which, etc. यहां पे कॉमा इंपोर्टेंट कॉमा हटा के इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, कॉमा इंपोर्टेंट कॉमा हटा के हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, इफ और वेदर कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक कंजंक्शन है। एग्जांपल, द टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, द टीचर आस्क्ड, सेड टू के साथ में हमें यहां पे आस्क लगाया, आस्क मी कॉमा इंपोर्टेंट कॉमा हटा के हमने इफ कंजंक्शन लगाया। If I was feeling well that day, हमें if लगा के you को चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे me है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ये I आ गया, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, was were,
अब ये व्हाट से आरंभ है, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, सेड टू के स्थान पर मैं आस्क इनडायरेक्ट स्पीक में बदला, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट यू को चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा ओल्ड मैन है, तो व्हाट ही वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, क्योंकि व्हाट यू वांट ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमने इसको चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट व्हाट ही वांटेड। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, रिमेंबर द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू स्टेटमेंट फॉर्म एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड, क्योंकि अब यहां पे रिपोर्टेड जो स्पीच है वो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में बदल दी है और क्वेश्चन मार्क यहां पे रिमूव हो गया। जैसे ही सेड टू द ओल्ड मैन व्हाट यू वांट, he asked the old man what he wanted, इसके बारे में फुल स्टॉप लगा लेना कि क्वेश्चन मार्क। रूल 6, when the reported speech consists of an exclamatory sentence, the reporting verb must be changed to some appropriate word as exclaim, cry out, pray, etc. The conjunction that he used to introduce the reported speech. Comma inverted comma हटा के यहाँ पे हम conjunction that का use करते हैं। Example, the merchant said, "Alas, I am ruined." Alas के बाद हमने sign of exclamation लगाया। इसको indirect speech में change किया। The merchant exclaimed with sorrow that he was ruined. I am ruined को बदल दिया हमने, he was ruined, इस एवर को was verb में चेंज करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, she said, may you succeed my son, indirect speech में चेंज किया, she wished that her son might succeed। फ्रेंड्स, ये मेरा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।